हमारे अध्यक्ष जी बीजेपी के हाँ 54 सीटें, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं उनको पूछना चाहता हूँ 54 कैसे होंगी। आपको मैं आपके पास आया, आपको मैंने बोला सर बात करो उनसे कि ये क्यों कर रहे हैं। आपने मेरे सामने फ़ोन मिलाया डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो हैं डीसी हैं, उन्होंने बोला इनको मेरे पास भेजो। जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं हमें बोला जाता है कि आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ करो ऑफिस में। अच्छा हाँ, क्यों स्विच ऑफ करने, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि फ़ोन स्विच ऑफ किए जाएँ। NHM के एम्प्लॉयज़ एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा था कि किस तरीके से NHM के एम्प्लॉयज़ ने मिलकर डायरेक्टर के दफ्तर पर जो है वो ताला लगाया था। हड़ताल पर जो है ये सारे वहाँ पर बैठ चुके थे और आज एक बार फिर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर जो है प्रदर्शन पर ये सारे NHM एम्प्लॉयज़ उतर चुके हैं। लास्ट टाइम आपको डायरेक्टर के दफ्तर से आश्वासन मिला था कि प्रॉपर तरीके से नौकरियाँ आपके लिए निकलेंगी, पेपर्स होंगे, सब कुछ होगा, तो फिर आज सड़कों पर उतरने का कारण जी। सबसे पहले मैं मैम आपका धन्यवाद करूंगा TSL का कि आप हमारे जो हैं हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती हैं। मैं बताना चाहूंगा, आपने जो बात रखी कि आप आज क्यों सड़कों पर हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमें सड़क पर आने का कारण ये बना है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो है एक स्कैम, जो मैं बोलूँगा एक स्कैम हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसरों को, हायर ऑफिशियल को इन्फॉर्म किए बगैर फिर तो ये स्कैम ही हुआ है। ये मैं हाईलाइट करने के आपके चैनल के माध्यम से बाकी मीडिया पर्सन से कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट रियासी में हुआ है, तभी हमें मजबूर होना पड़ा है। आज खाली हमारी जो कोर जो है यूनियन की कोर कमेटी है वो जो है पर्सन आए हैं कि हम ये बात जो है आपके आपके साथ मिल के ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएँगे। क्योंकि पहले हम पर्सनली एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मिलाए हैं, सेक्रेटरेट जाके हमने ये लेटर दे आए हैं, उसके बाद डिपकॉम सर से मिल रहे हैं उनसे। मुझे लगता है उन तक आवाज़ तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक हम फिर से नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑफिस है उसका घेराव ना करेंगे, जहां हम अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का जो दफ्तर है वो अपने कब्जे में ना लेंगे। आपने कहा साहिल कि लगातार जो है स्कैम हुआ है, किस स्कैम की बात कर रहे हैं? मैं पहले आपको JKSSB के स्कैम हुए, सब इंस्पेक्टर का स्कैम हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ। मैं बोलता हूँ जम्मू कश्मीर को तो इन्होंने स्कैम का अड्डा बना के रखा है, बाहर क्यों नहीं स्टेटों में स्कैम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ही क्यों हो रहे हैं? क्या आपकी एडवर्टीजमेंट के साथ पोस्टों की जो हुई थी उसके साथ उसके अंदर स्कैम? ये मैम मैं तभी तो आज आया हूँ बाहर की, हमारी पोस्टों के साथ भी स्कैम हो गया। जो LG मनोज सिन्हा ने हमें पोस्टें दी थी कोविड वॉरियर्स को कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टें हैं, हमने एग्जाम दिया, हमारी रिक्रूटमेंट को भी कैंसिल कर दिया विदाउट एनी रीज़न। सारी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सारी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, खाली डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही इसको जो है नल एंड वाइड घोषित कर दिया। नल एंड वाइड घोषित जिस पॉइंट को मेंशन करके इन्होंने इसको नल एंड वाइड किया था, मैं बताना चाहूँगा कि उस पॉइंट के ऊपर भी मेरे पास ये हमारी मिशन डायरेक्टर का ये लेटर पड़ा हुआ है, उन्होंने भी इसमें साफ लिखा है कि ये जो है ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की ये अराइज नहीं हो रही है, फिर उसके बावजूद भी ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्यों किया जा रहा है? मिशन डायरेक्टर की बात कोई नहीं माना जा रहा है, एक मिशन डायरेक्टर है जो हमारे डिपार्टमेंट की, वो IAS ऑफिसर है, वो बता रही है कि ये कंडीशन लागू नहीं होती है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है, मैं पूछना चाहता हूँ अपनी जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, जो सेक्टर में बड़े बड़े बैठे आला अधिकारी अफसर हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट रियासी में क्या ढंगर लोग रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहता कौन है लोग? मतलब ये स्कैम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी में हो रहे हैं, सिर्फ वहीं की पोस्टें नल एंड वॉइड हो रही हैं? बस हमें ऑब्जेक्शन ही तभी है ना कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में सिर्फ ये ऐसा कर रहे हैं, बाकी अगर करना है तो सबका करो ना। फिर कारण क्या बता रहे हैं? कारण इन्होंने पहले फाइनेंशियल ईयर का रखा था, जब इनको ये लेटर गया उसके बाद इन्होंने एक कैंसलेशन का ऑर्डर जारी किया, उसमें कोई कारण ही नहीं बताया है, कोई भी कारण नहीं बताया, मतलब डिक्टेटरशिप हो गई है सीधी सीधी, कारण कोई बताना नहीं है, जो मन आया वो ऑर्डर निकाल देना है। आपने DC रियासी से बात करने की कोशिश? जी मैम, मैंने इवन कि मैं बताना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष जी बीजेपी के हाँ 54 सीटें, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं उनको पूछना चाहता हूँ 54 कैसे होंगी। आपको मैं आपके पास आया, आपको मैंने बोला सर बात करो उनसे कि ये क्यों कर रहे हैं। आपने मेरे सामने फ़ोन मिलाया डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो हैं DC हैं, उन्होंने बोला इनको मेरे पास भेजो। जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं हमें बोला जाता है कि आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ करो ऑफिस में। अच्छा हाँ, क्यों स्विच ऑफ करने, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि फ़ोन स्विच ऑफ किए जाएँ? कुछ प्रोटोकॉल होते होंगे? मैं प्रोटोकॉल है तो ऑफिस के बाहर शीट लगा के रखो ना पूरी, इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, पूरा पूरा बताया जाए इस एक्ट के थ्रू, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको बुलाया तो आपके फोन स्विच ऑफ करा दिए? हाँ बिल्कुल, अंदर जाके मिलते हैं डिप्टी कमिश्नर से, मैंने सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया, मैंने सिर्फ एक ही आवाज़ उठाई, मैम मुझे इसका रीज़न चाहिए, इसका रीज़न चाहिए कि ये आप नल एंड वाइड कैसे कर रहे हो,
मुझे ये कंडीशन बताया, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल ईयर, मैम मुझे वो डॉक्यूमेंट बता दो जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक प्रॉपर मैनर में ये इस साल में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी थी, ये नहीं हुई, इसलिए हम इस पूरी प्रोसेस को नल एंड वाइड करते हैं। चलो फिर भी हमने वो नहीं किया, अगर एक साल का, पहले तो ये कंडीशन लागू होती ही नहीं है, अगर एक साल में इनको करवानी थी तो इन्होंने 26 मार्च को ही एग्जाम क्यों करवाया, तब ये सोए हुए थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तब क्यों नहीं पहले क्यों नहीं करवाया। डिस्ट्रिक्ट रियासी में लगभग कितने बच्चों ने पेपर दिए? डिस्ट्रिक्ट रियासी में कम से कम 200 बच्चों ने पेपर दिया होगा। अच्छा, हाँ। और सब अब उनकी पोस्टें नल एंड वॉइड हुई? नल एंड वॉइड हुई, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, री एडवर्टाइजमेंट करवाया उन पोस्टों को। मेरी, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, किसी को अगर मेरी बात के ऊपर संदेह है, आप डिस्ट्रिक्ट रियासी की riyasi.nic.in पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो जिन एग्ज़ाम, जिस पोस्टों पे ये एग्ज़ाम वापस करवा रहे हैं, जिन पे हमने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसके ऊपर आप सर्च मार के उसकी नोटिफिकेशन कहाँ है, उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं है नए बच्चों को। पहले वाले पे, पहली वाली एडवर्टाइजमेंट की? हाँ, पहली वाली की है, लेकिन जो न्यू री एडवर्टाइजमेंट की, उसकी नोटिफिकेशन ही नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे रियासी पे। अच्छा। हाँ, तो सिर्फ ऑर्डर कौन सा निकाला गया कि वो जो न्यू हमने एडवर्टाइजमेंट की है उसके ऊपर बराबर लिखा गया न्यू एडवर्टाइजमेंट, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, तो जो उसका एग्जाम कराने का इन्होंने लिखा हुआ है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट ऑर्डर आपके पास पहुंच जाता है लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर वो कहीं पर भी नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे है ही नहीं, इवन की किसी न्यूज़पेपर में भी नहीं है वो, मतलब यानी आपको गुमराह करने की कोशिश की। मुझे नहीं मैम, मैं बताना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट रियासी के पूरे यूथ को। पर ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही यूथ के साथ क्या मसला है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, जम्मू में चल रहा है, बाकी सारी जगह चल रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही क्या दिक्कत? क्योंकि ये था मैम, डिस्ट्रिक्ट रियासी जो इनकी जो कोविड वॉरियर्स जो बच्चे थे, इनका जो प्रेसिडेंट था वो डिस्ट्रिक्ट रियासी का था, और इनको जो ऑब्जेक्शन था वो इनको प्रेसिडेंट के साथ था, आपके साथ? हाँ, क्योंकि इनको पता है कि ये ऐसा आदमी है, ये वही है जिसने सात दिन और रात लगातार NHM के ऑफिस को अपने कब्जे में रखा था, और मैंने अपने यानी आपसी रंजिश निकाली जा रही है। मुझे यही लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, डिपकॉम सर के पास जाते हैं, उनको ये मसला बताते हैं, उन्होंने आज तक DC रियासी से इसके ऊपर क्यों नहीं कोई ऑफिशियल लेटर दिखाए ना, क्या मैं ये सारा कुछ उनके टेबल पर रख के आया, दे के आया, अपना फ़ोन नंबर भी दे के आया, उनसे बात भी की, क्या उन्होंने DC रियासी के ये मैसेज पास आउट नहीं किया, क्या उनकी बात नहीं हुई? मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब अपने अरुण मेहता जी, उनके ऑफिस में भी डिस्पैच सेक्शन में डाल के आया, क्या उनके साथ बात नहीं हुई? हमारे जो मैं बताना चाहूंगा आपको, LG एडवाइजर टू LG राजीव राय भटनागर, उनके सेल से इंक्वायरी इनिशिएट कराई, इंक्वायरी। लगभग आप बच्चे कितनी देर से ऐसे ही घूम रहे हैं? डेढ़ साल हो गया लगातार, एक साल से अब ऊपर हो चुका है, क्योंकि पिछले यही दिन थे तो हम यहाँ धूप में हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे बताएं कि आपके रियासी के जो लीडर्स हैं उनके पास आप गए ये मसला लेकर? मैम, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो चेयरमैन हैं इस टाइम, वो भी BJP भाजपा के हैं, ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम भी सपोर्ट भाजपा को ही करते हैं, और भाजपा ही आपके पक्ष में नहीं है, और भाजपा ही हमारा गला रौंदने पे। अच्छा, फिर भी आप भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं? हमने देखिए मैम, हम क्योंकि आखिरी बार जब आपकी हमसे बात हुई थी आपने ये कहा था कि हमें अपने अध्यक्ष पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हम इन्हीं के भरोसे वापस जा रहे हैं, और एक बार फिर से आपका ही जो जिन पर आपने इतना यकीन दिखाया उन्होंने ही आपसे आगे फ़ोन पे बात करवाई और आगे जाके आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। मैम वही तो बात है, अगर एक जो अध्यक्ष है उनकी ही नहीं सुना जा रही, हालांकि सेंटर में सरकार भाजपा की, जम्मू कश्मीर में LG साहब भाजपा के, अध्यक्ष साहब भाजपा के, फिर उनका ही बात एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं मान रही? क्या वजह समझते हैं कि BJP के लीडर्स की बातें नहीं सुनी जाती हैं? मैम मैं बताना चाहूँगा, BJP के सारे लीडर ऐसे नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे लीडर भी हैं जो अच्छे हैं, काम करते हैं, करवाते हैं लोगों का, लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको खाली ऐसे शो ऑफ करने के लिए कुर्सियों पर बिठाया गया है, लेकिन उनसे काम कोई नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात करूँ, हम अपने चेयरमैन साहब जी से मिलते हैं जाके, हम उनसे भी ये बोलते हैं अगर वो इस चीज़ के ऊपर स्टैंड रखते तो क्या ये ऐसा हो सकता था, अगर वो बोलते एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि उनके नीचे काम कर रही है ना, क्योंकि जब हम देखते हैं उनकी ऑफिशियल मीटिंग होती है, उनकी जो चेयर होती है ना, उसके राइट में जो है हमारी DC बैठी होती है और लेफ्ट में ADDC बैठी होती है। पूरा जायजा लिया हुआ है आप बच्चों? हाँ पूरा, क्योंकि उनकी कुर्सी ऊंची ही है, जहाँ मैं तो देखता हूँ जहाँ तो खाली फोटो में ऊंची है, सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, तो जब हम उनसे ये मिलते हैं, इस बात पे चर्चा करते हैं, तो उन्होंने ये कहा, हमें आश्वासन दिया कि मैं बात करता हूँ, लेकिन बात उन्होंने कैसी की, वो फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने, और वो भी
लीगल तरीके से करते हैं, हमें तब भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इलीगल तरीके से करवा रहे हैं ये, उसकी नोटिफिकेशन हमें बताओ। और उसके बाद में हाई कोर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने जो एकजुट के जो प्रधान हैं अंकुर शर्मा जी, उनसे मैंने बात की, वो हमारी सपोर्ट में आए, उन्होंने मेरे लिए मेरा नाम लिख के पटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट से इनको बोला जाता है कि इसके ऊपर आप हमें बताइए कि आपने ये जो पुरानी रिक्रूटमेंट है इसको नल एंड वाइड क्यों किया, और आप हमें इसके ऊपर पूरा 10 तारीख को इस कोर्ट को इस ऑर्डर पे कोर्ट की हेयरिंग है, 10 मई, हाँ 10 मई, इसी 10 को, और 7 तारीख को ये क्या कर रहे हैं, री एग्ज़ाम करवा रहे हैं, यानी कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मानते हैं, इनको लीगल नोटिस गए हुए हैं, लीगल नोटिस को भी नहीं ये मान रहे हैं। अच्छा, आप डोर टू डोर सारे बड़े बड़े अफसरों के पास गए हैं, बीजेपी के लीडरों के पास गए हैं, चेयरमैन के पास गए हैं, मिशन डायरेक्टर के पास आप चले गए हैं, अब आगे का क्या सोचा है, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है सारा सिस्टम, क्या अब वापस से NHM एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सड़कों पर देखने को मिलेंगे? देखिए मैम, आज हमारे खाली कोर के जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के कोर के मेंबर थे पहले, अभी हम कब से इधर ही खड़े हैं, अभी थोड़ा आगे कोई इधर कोई आगे पीछे गया हुआ है, तो पहले हमारी ये आज यही डिसाइड हुआ था कि हम इधर बैठ के अपना डिसीजन लेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी रिक्वेस्ट है LG मनोज सिन्हा जी से, डिपकॉम सर से, चीफ सेक्रेटरी सर अरुण मेहता जी से, कि इस चीज़ के ऊपर जायज़ा लिया जाए। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, इस चीज़ के ऊपर तब तक ये स्थगित कर दी जाए जब तक कोर्ट की डायरेक्शन इनको नहीं आती। अगर हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप हमारी मर्जी से आप हमें लगाओ, हम किसी हमें ही सिर्फ जिन्होंने कोविड में काम किया उनको लगाओ, हम ये बोल रहे हैं जब तक कोर्ट की डायरेक्शन नहीं आती तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को, इनका एग्ज़ाम जूम सब कुछ स्थगित कर देना चाहिए। जो कोर्ट का फैसला आएगा हमारे सर आँखों पर होगा। अगर उसके बावजूद भी ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी नहीं करती है, हमें मजबूर होकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम पूरे जम्मू कश्मीर के अपने बच्चे, जैसे हमने नेशनल हेल्थ मिशन का, आप मैम आपको पता होगा, जैसे हमने नेशनल हेल्थ मिशन का जो ऑफिस है बंद किया था, हमें मजबूर होकर फिर से नेशनल हेल्थ मिशन के ऑफिस ना जाना पड़े, और हमें मजबूर होकर फिर से कहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो दफ्तर है वहाँ पे ना ताला मारना पड़े। और मैं LG मनोज सिन्हा से मेरी यही गुजारिश रहेगी सर, लिथियम के भंडार डिस्ट्रिक्ट रियासी में मिले हैं, बहुत ही अरबों करोड़ों, अरबों का नहीं, बहुत ही ज़्यादा देश की GDP को ग्रो करने में इस डिस्ट्रिक्ट रियासी की बहुत ही ज़्यादा मदद रहेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई IAS ऑफिसर जिसको, जो जनता को भी समझे, टाई अप करके चले, हम आप हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी किसी IAS ऑफिसर को हमारी डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूट किया जाए। अगर ऐसे ऑफिसर आपने बिठाने हैं जो खुद हमें बोलते हैं आपको ऑफिसर से बात करने की तमीज़ नहीं है, हम पूछना चाहते हैं मनोज सिन्हा साहब, ऑफिसर वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ना कि पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए तो पब्लिक सर्वेंट है, वो कॉरपोरेट का पैसा चूसते हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों पे बैठे हुए मुलाजिम होते हैं, कॉरपोरेट से पैसा निकलता है इनके लिए। और हालांकि ये घर भी अगर जाते हैं ना, तो जो ये गाड़ी ऑफिशियल यूज़ करते हैं, वहाँ जो तेल उन गाड़ियों में पड़ता है, और सिक्योरिटी गार्ड जाते हैं, उनको भी पैसा हमारी जेब से जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुनने की NHM एम्प्लॉयज़ का यही कहना है कि आने वाले वक्त में भी अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर यही हालात देखने को मिले तो मजबूरन सारे NHM एम्प्लॉयज़ को एक बार फिर धरने पर बैठना पड़ेगा, और एक बार फिर वही चीज़ वापस होगी कि डायरेक्टर के दफ्तर में प्रदर्शन जो है ये बच्चे करते हुए नजर आएंगे, और जम्मू की सड़कों पर ये बच्चे जो हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।